चलिए पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC जिसको बोला जाता है, या तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग कि है क्या चीज़ NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसको लिखा फुल फॉर्म इसका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये क्या है? एक आयोग है। ये क्या है? गैर संवैधानिक है, मतलब एक संवैधानिक निकाय नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, बस एक संविधिक विधिक निकाय है। तो इसको लाया क्यों गया है? तो लाया इसलिए है कि मानव अधिकारों का संरक्षण हो सके। क्यों बोल रहा हूँ? मानव अधिकारों का संरक्षण हो सके इसलिए इसको, उनका विकास हो के उनका किसी अधिकारों से मतलब उनको वंचित न किया जाए, किसी पिछड़े वर्ग के हों या किसी और भी हम वर्ग के हों और सामान्य वर्ग के सभी के लिए। ठीक, मानव के मतलब उसको अधिकार प्रदान करता है, उसको बचा के रखते, सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा बॉडी के रूप में एक काम करता है। ये क्या है? और बहुसदस्यीय संस्था। एक ये क्या है? बहुसदस्यीय संस्था है, मतलब काफी लोग होते हैं इसमें, काफी लोग नहीं, उतना भी काफी नहीं, मतलब एक अध्यक्ष इसमें होता है और सदस्य बाकी होते हैं, 3-4 सदस्य उसमें अलग से होते हैं। तो इसका जो एक अधिनियम बना था, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, क्या बोल रहे हो जी? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम एक बना है, पढ़े होंगे तो इसमें टॉपिक में है CGPSC में, इसमें 1993 इसमें, और इसको 2006 में संशोधित किया गया, सुधार किया गया, इसमें बदलाव उदलाव किया गया। तो 1993 का एक एक्ट है, 2006 में इसको सुधार किया गया। इसको क्या किया? सुधार किया, इसको याद रखना। तो यह क्या है? मानव अधिकारों के प्रहरी है, जो मानव देश में पूरे देश की बॉडी है ना, केंद्र लेवल पर है, ये केंद्रीय लेवल पर है। इसका राज्य मानव अधिकार आयोग भी होता है, उसको बताऊंगा मैं, पहले इसी को बता दो केंद्र लेवल में। तो ये मानव अधिकारों के जो क्या कहते हैं, संरक्षण प्रणाली, इसको पहले भी बता दिया हूँ इसमें। जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया है ना, जो न्यायालय वाला में चल रहा होगा, उनके जीवन से संबंधित हो किसी व्यक्ति के, उसके स्वतंत्रता से संबंधित, उसको समता देना दिलाना, समानता, या उसके व्यक्तिगत मर्यादा को बताना है, तो सब संबंधित अधिकार इसमें शामिल होंगे। इसमें इनका उद्देश्य वही है, उद्देश्य बता देता हूँ, वही उद्देश्य वही है कि संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना, जो भी संस्थागत है, जो व्यवस्था चल रही है अभी वर्तमान में संस्था के द्वारा, तो उनको क्या करना, मजबूत करना। तो इनमें क्या होगा? इनमें होगा कि जो भी मानव अधिकारों से संबंधित कोई मुद्दे हैं, उनके अधिकार से रिलेटेड कोई मसले, कोई मामले आते हैं, तो उनका समाधान किया जा सके, इसको याद रखें, समझे जी? ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा आप ले सकते हैं उसमें, जैसे कि अधिकारों के, मान लो कोई व्यक्ति अतिक्रमण करती है, मतलब कोई अतिक्रमण हो रहा है किसी के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो सरकार क्या उसको स्वतंत्र रूप से उसको देखता है, तो उसको उसको रक्षा के लिए क्या है, एक केंद्रीकृत किया गया, इसको उसको रक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रित किया गया, इसको याद है। एक तीसरा देखिए, उनको मतलब किसी भी क्षेत्र में जहाँ से जा रहे हैं, तो उनको कोई असुविधा ना हो, उनको सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, अंदर से भी बाहर से भी दोनों तरह से। तो उनके मतलब ये था उद्देश्य। अब संरचना इसकी बता देता हूँ, अब इनका संरचना कैसे होती है। तो एक अध्यक्ष होता है प्लस 4 सदस्य एक्स्ट्रा, मतलब कार्य, मतलब जो कार्यालय में काम वाम करने के लिए। अब इसकी योग्यता होती है, इन लोगों को सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी, जो भारत के जैसे कि कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या फिर जो जैसे कि मुख्य न्यायाधीश तो बोल दिया, जो सुप्रीम कोर्ट का है, या कहीं भी मतलब हाई कोर्ट का अगर न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, या कोई एक सदस्य मतलब उच्चतम न्यायालय में कार्यरत है, कोई सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत है, या कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तो
उच्चतम न्यायालय का कार्यरत हो हाई कोर्ट में हो या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, उसमें मतलब उसको क्या है सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है, ठीक है, उसको मतलब इसमें ग्रहण किया जाए, मतलब हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या सेवानिवृत्त वाला व्यक्ति हो, सेवानिवृत्ति को भी इसको शामिल कर लिया जाता है। ये तो दो व्यक्तियों के लिए था, दो व्यक्तियों के लिए और अध्यक्ष के लिए था, ये अध्यक्ष के लिए था मेन, तो अध्यक्ष मान लो, और दो व्यक्तियों के लिए जो अन्य जो चुनते हैं इन लोग क्या करते हैं, एक मानव अधिकार संबंधी उसको जानकारी होनी चाहिए, कार्य बनो कार्य अनुभव होना चाहिए किसी फील्ड का, या उसी मानव अधिकार से कुछ कोर्स भी होता है अलग से, तो उसमें उसको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। जैसे पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, एक अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं, जैसे कि पूर्णकालीन मतलब बोलो इसमें का, जैसे पूर्णकालीन मान लो सदस्य हैं, इसके अलावा भी अन्य सदस्य भी होते हैं, अन्य में क्या हो सकते हैं, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के हैं, SC ST के आयोग के हैं, महिला वर्ग के, उसके अध्यक्ष, वो क्या है आपका अन्य पदेन सदस्य इसमें हो सकते, शामिल हो सकते, क्योंकि ये भी किसी तरह के, चाहे SC हो ST हो महिला हो, उनको समानता के ही अधिकार दे रहे, मानव का अधिकार का रक्षा ही कर रहे। इसके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ना, अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है, ये करता है एक सिफारिश पर, 6 सदस्यीय समिति बनती है, 6 सदस्य का इसमें डॉट कर दे रहा हूँ, समिति बनती है, 6 सदस्य समिति बनती है। तो इस 6 समस्य मतलब 6 सदस्यों का समिति बना था, उसमें इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री को सलाह देंगे, मतलब बताएंगे, किसको बताएंगे पहले, सॉरी प्रधानमंत्री उसका नेतृत्व करता है, इसका प्राइम मिनिस्टर इस समिति का क्या करता है, नेतृत्व करता है, अभी सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को, किसको करेगा, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को सिफारिश करने के बाद फिर यह नियुक्ति की जाती है, ठीक है, इसको नियुक्ति लेकिन राष्ट्रपति करेगा, ये सिफारिश कौन कर रहा है, PM वाला समिति, प्राइम मिनिस्टर उसका वो रहे, अध्यक्ष मान लो जो कुछ भी रहे, ठीक है, समझ गए इसको। अब इसमें सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, सदस्य में होते हैं, ये तो प्राइम मिनिस्टर तो खुद होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष भी इसमें सम्मिलित होता है, और राज्यसभा का सभा उपसभापति, उपसभापति सभापति नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं आएगा इसमें, जो संसद के दोनों सुनो, जो लोकसभा तथा राज्यसभा के जो विपक्षी विपक्षी दल इसमें क्या होंगे, सम्मिलित होंगे, इसको याद रखना। जो केंद्रीय गृह मंत्री, जो केंद्रीय गृह मंत्री इसमें भी होते हैं, इसको याद रखना। और जो मुख्य न्यायाधीश है, क्या है मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर क्या करते हैं, उच्चतम न्यायालय में किसी न्यायाधीश को या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है सदस्य के रूप में इसी में, या फिर इसमें भी कर सकता है सदस्य के रूप में, यहाँ जो 4 सदस्य हैं ये सलाह देगा, ये सुप्रीम कोर्ट का है मुख्य न्यायाधीश, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को या फिर उसके न्यायाधीश को, तो उसको न्यायाधीश को क्या कर सकता है आपका, नियुक्त कर सकता है। इन लोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसको याद रखना, कार्यकाल कितना होता है इन लोग का, 5 वर्ष का इन लोग का कार्यकाल होता है, और अधिकतम ये मतलब 70 वर्ष तक इन लोग कार्य कर सकते हैं, जो पहले हो जाए, फिर 70 वर्ष हो गया तो निकल लेगा, 5 वर्ष हो गया तो भी निकल लेगा,
ज़्यादा समय तक इनको नहीं रखा जाता है। इन लोग कैसा रहता है, कार्यकाल जैसे समाप्त हो जाता है, नहीं 5 वर्ष और 70 वर्ष, तो इन लोग कहीं भी सरकारी पद में मतलब उसके मतलब योग्य नहीं रहेंगे। प्राइवेट भले ही कर सकते लेकिन और किसी सरकारी पद में इन लोग लाभ के पद पर नहीं रहेंगे, ऐसा रहता है, चाहे केंद्र में हो चाहे ना ही राज्य में कर पाएगा। राष्ट्रपति क्या किसी अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से भी हटा सकती है, उनके पद से क्या कर सकती है, हटा सकती है, इसको याद रखना। पहले तो दिवालिया हो है ना, या वो अपने कार्यकाल के दौरान, या फिर वो अपने कार्य क्षेत्र से बाहर हो, मतलब अपने कार्य क्षेत्र से कई लोग बाहर काम करते हैं, रोजगार रोजगार उन लोग को और दूसरा लेने चालू कर देते हैं, तो उस समय में उसको हटा सकते हैं। और मानसिक से या शारीरिक कारण से मतलब असमर्थ, क्योंकि उतना 70 साल हो रहा है, कौन मतलब उतना फिट रहता है। और जैसे न्यायालय वाला ने घोषणा कर दिया, सक्षम न्यायालय ने, कि मानसिक अस्वस्थ है तो भी इसको नहीं मतलब, और या फिर हटा मतलब हटा सकता है, और किसी अपराध का दोषी पाया जाता है तो भी इसको हटा सकता है, इसको रखेंगे नहीं हम लोग। और जिनका जो वेतन भत्ते होते हैं ना, वो आपका क्या बोल रहा हूँ, वेतन उतन, इन लोग का वेतन भत्ते इन लोग को निर्धारित होते केंद्र से, सब केंद्र सरकार द्वारा क्या होता है, निर्धारित होता है। लेकिन आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कैसे, या मतलब अब पोस्ट में बैठा दे उसको, अब पास आप कम दे रहे चालू कर दे, है ना, काम उम नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं होगा कुछ भी, उसको मतलब एक बार चुन लिया तो चुन गया, वो जितना पैसा देना था उसको देगा वो, आप उसको मना नहीं कर सकते कि भाई ये वाला लाभ आपको नहीं मिलेगा। जितनी सुविधा मिलती, मेडिकल सुविधा हो गया, चिकित्सा, हाँ, टेलीफोन सुविधा, वाहन सुविधा, परिवहन के लिए, बिजली बिल, वो सबकी सुविधा, हाउस रेंट की भी सब सुविधा उसको मिलती है। अब इनको कार्य क्या होता है, इन लोग कार्य इन लोग करते क्या है, तो इन लोग करते हैं मानव अधिकारों को जैसे उल्लंघन होता है, क्या बोल रहा हूँ, मानव अधिकार का उल्लंघन होगा ना, तो उसको जांच उच करते हैं। जैसे लोक सेवा के समक्ष आप कोई जाते हो, भी व्यक्ति कोई मानव अधिकार उल्लंघन की आप प्रार्थना करते हो, तो पहले तो उसको जांच उच करेगा, है ना, और मिलना हुई है कि नहीं हुई है, या फिर जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे लोक सेवा के आप जा रहे हो, हाँ, और आपके मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, आप वहाँ बार बार बोल रहे हो कि हमें ये चाहिए, ये चीज कुछ छूट रहा है बोल के, तो जांच उसको उसका प्रेरणा लेके और न्यायालय से मतलब क्या होगा, आदेश से वो फिर चालू कर देगा, न्यायालय से आदेश जैसे होगा, इसको अधिकार देखो मतलब क्या 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 है सुविधा मतलब दो, ऐसे बोल के काम करो इसके पीछे, फिर लग जाते हैं काम वाम करने के लिए। और जैसे कि न्यायालय उलय में देखोगे केस क्या होता है, काफी समय से मतलब लंबित होता है, केस क्या हो रहा है बोलो, काफी समय से लंबित मामला होता है, तो ये क्या करता है, मानव अधिकार से कोई संबंधित कोई मुद्दा होता है तो ना कार्रवाई में हस्तक्षेप कर देता है, मतलब हस्तक्षेप करना दूसरे के। काफी समय हो गया दस्तावेज जमा किए न्यायालय में, अभी करता क्या है इसमें, ये करता ये है कि देखो फाइल जमा रहता है काम नहीं होता है, काफी समय लग जाता है, वो पेंडिंग उन्डिंग में रहता है, वो रिमांड उमांड में वो दुनिया भर का वो टाइम लगता है, तो उसके हनन मत हो गया कि ना ये काम करता है, उसको हस्तक्षेप कर सकता है ये मानव अधिकार संघ आयोग कि भैया तुम क्या कर रहे हो, इतना टाइम हो गया उसको, कब से समय लगा रहे हो, कब से मतलब आवेदन किया, ऐसे बोल सकता है उसको, सिफारिश करता है। अब ये क्या करता है, जो जेल उनमें देखोगे, जेल में बंदी उंदी रहते हैं व्यक्ति लोग, जो बंधे उंधे व्यक्ति, जो अपराधी उपराधी जो भी क्राइम करके आ रहते हैं जेल उनमें रहते हैं, तो ये मानव अधिकार आयोग क्या करता है, वो जाके मतलब चेक करता है, वहाँ पर जाके वहाँ चेक उक करेगा, वो देखेगा कि क्या स्थिति है, मतलब इनको खाना उना मिल रहा है कि नहीं है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा है, सब सुविधा तो मिल रही है,
उन सभी को मतलब, तो उनके संरक्षण के लिए काम करता है ये, कौन करता है, मानव अधिकार संरक्षण आयोग। वो बना है अलग है, मानव अधिकार आयोग केंद्रीय लेवल पर है, ठीक है, इसको याद रखना। और उनको ये क्या करता है, संवैधानिक रूप से भी मतलब जो भी विधिक रूप से उपबंध की बनाए गए हैं मानव अधिकारों के लिए, उनका देखता है, उसको जांच करता है, उनका फिर सिफारिश करता है। या फिर जैसे आतंकवादी मामले हो, आतंकवादी के जो संबंधित कोई समीक्षा करना रहे या उनका उल्लंघन हो रहे हैं या उस एरिया में हो, तो बचाव के लिए उपाय मतलब ये सिफारिश करता है कि वहाँ के जैसे एक आतंकवादी है, अब वहाँ किसी सामान्य जगह पर आपका एंट्री मार दिया, तो करते क्या है लोग, सामान्य जगह में एंट्री मार दिया तो उनको बाकी लोग को तो बचाना ही है ना, उनसे उनसे चंगुल को छुड़ाना, मतलब जो वहाँ कितने लोग हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, बूढ़े सभी तो रहेंगे मोहल्ले में, तो उनको बचाने के लिए ये सिफारिश कर सकती है कि उनका उल्लंघन हो रहा है, उनको अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो ये जाके अपना सिफारिश कर सकते हैं, न्यायालय उलय में भी जा सकते हैं और दूसरे चीज में अलग जो राष्ट्रपति तरफ भी उनका रुझाव रहता है। और जैसे कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है, इंटरनेशनल लेवल पर अगर होता है, जो संधियां उन्धियां होती है, दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं है ना, जो सिफारिश तो लागू करती है कई सारे मुद्दे, तो इसमें होता क्या है, होता यही है जी, इसमें संधि उन्धि हो रही है तो इसको प्रभावशाली करने के लिए तो उसको सिफारिश करता है कि भाई संधि उन्धि हुई है तो उनको एक सुविधा प्रदान करें, उस संबंधित मामले होंगे तो शोध कार्य भी उनके किए जाते हैं कुछ क्षेत्र में अंतर्गत, और प्रोत्साहित भी उन लोगों को करते हैं भाई कि आप बिना डरे जाओ, मतलब कहीं भी जाओ आओ जाओ घूम फिर सको, एक मतलब लिमिटेशन में, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी करोगे, सब लिमिटेशन में होगा। और जागरूकता फैलाने का भी काम करते हैं मानव के, इन लोग किसके बीच, मानव के बीच, उनको सजग सजग कराते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं रहता है, उपाय मतलब बताते हैं उनको जागरूक करने के लिए, ये उनका काम रहता है। मानव अधिकारों के क्षेत्र में जो क्या होते हैं, कोई भी आधिकारिक क्षेत्र में है तो संगठनों जो बने होते हैं बहुत सारी, जो ST आयोग है, महिला आयोग है, OBC आयोग है, तो उनको क्या करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं या उनकी सराहना करते हैं, अच्छा काम कर रहे बोल के उनको बोला जाता है, समझे इसमें का मैं जो बोल रहा था इसमें, ठीक है चलिए। अब आयोग की कार्यप्रणाली, कार्य एक तो अलग है, कार्यप्रणाली अलग होती है, यहाँ लिख देता हूँ इसको, कार्यप्रणाली होती क्या है, तो इसका जो आयोग का जो प्रधान जो कार्यालय है दिल्ली में है, इसका कार्यालय कहाँ है आपका, दिल्ली में स्थित है। और ये क्या करता है, भारत जो भारत में ही अन्य स्थानों पर भी अपना कार्यालय खोल सकता है, कहीं भारत के किसी भी इलाके में कार्यालय खोलना चाहता है खोल सकता है। और आयोग का अपना ना कार्य प्रणाली होती है, आयोग का क्या होता है, अपना कार्य प्रणाली होती है, उसके अधिकृत ये क्या करता है, कार्य करता है, वह मतलब उसको संपादित करता है। तो ये सिविल न्यायालय तरह ही इनके मतलब जो अधिकार क्षेत्र होते हैं इनका, शक्तियां होते हैं इनको मिलती है, जो केंद्र स्तर पर होता है और राज्य सरकार से जो किसी भी जानकारी और रिपोर्ट को, अगर कुछ मुद्दा होता है चाहे केंद्र लेवल पर हो चाहे राज्य लेवल पर, जाके रिपोर्ट वपोर्ट ये मांग सकता है कि बताइए भैया कहाँ उल्लंघन हो रहा है मानव के अधिकारों का, उनकी शिकायतों कोई करता है तो जांच भी होती है, या स्वयं जांच दल भेज देता है, कहीं भी अगर होती है तो अपनी टीम को भेज देगा वहाँ, जरा देखिए बोल के अधिकारी अधिकारी को जांच के लिए, एजेंसी एजेंसी बनाए रहते हैं उस टाइम से, मतलब देखने के लिए, निरीक्षण करने वाला अलग होता है, वो तो कार्यालय में कोई व्यक्ति रह भी सकता है।
तो इनका वही है, सूचना प्राप्त करना कहीं से भी मतलब हो रहा है तो। और जो इन लोगों का जो जांच उच होता है ना, कुछ जैसे 1 वर्ष से अधिक हो गया हो है ना, तो उनको जांच उतना नहीं करते, मतलब ध्यान नहीं देते, मतलब ज्यादा समय, जैसे कि ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1 वर्ष से मतलब कम समय हो, तो उनको आयोग क्या करते हैं, उनको जांच उच मतलब कर सकते हैं, उसको कदम उदम उठा सकते हैं उस मुद्दे पर। अभी क्या क्या सुविधा, मतलब ये इसके योगदान क्या रहता है, कोई व्यक्ति मतलब पीड़ित है, मान लो पीड़ित व्यक्ति क्या क्षतिपूर्ति और नुकसान नुकसान होता है ना, तो उसकी सिफारिश कर सकते हैं, जो सरकार उस टाइम की रहेगी उसको क्या करेगा, सिफारिश कर सकता है, इसको याद रखना। जैसे कोई दोषी है, लोक सेवक बैठा है, अधिकारी उधिकारी है, तो उसके विरुद्ध मान लो उसकी कार्रवाई उर्वाई नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा है, मान लो कोई दोषी व्यक्ति है, लोक सेवक का व्यक्ति है, तो कार्रवाई उसको प्रारंभ करने के लिए सरकार से सिफारिश करते हैं उसको, मतलब आप हिरासत में लीजिए उसको, इसमें लीजिए बोल के, हिरासत में लीजिए, ऐसा करके क्या बोल सकता हूँ, बोल सकता उसको, समझे जी। ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ, कोई भी अगर कोई भी सेवक वर्ग को भी अपराधी होता है, तो उसको बोल सकता है भैया इसके विरुद्ध जांच करो और इसको कार्रवाई कीजिए, सिफारिश देता है सरकार को उस टाइम, जो चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में। अगर इसको आयोग को लगता है कि कोई निर्देश उदेश आदेश मतलब रिट उट मतलब जारी किया जाए किसी के विरुद्ध, तो उच्चतम न्यायालय या फिर जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट सॉरी हाई कोर्ट भी जा सकता है, उनको जाके बोल सकता है कि भैया कि भाई ये मामला है, इसको रिट जारी करिए करके। ठीक है, समझ गया। लेकिन ये क्या है, एक भूमिका इन लोग की ये रहती है, भूमिका के रूप में आप लोग देखिए, इसमें बताता हूँ भूमिका क्या हो सकती है। भूमिका में ये रहते हैं, जैसे कि सिफारिश है सलाहकार है, कोई उल्लंघन उल्लंघन होता है दोषी, उसी को दंड देने का, जैसे कि ये सिविल टाइप का है, ये दंड उंड नहीं दे सकता, इसको दंड उंड का देने का अधिकार नहीं रहता, ये सिर्फ सिफारिश करता है जाके कि ऐसा कीजिए सर, वो ऐसा कीजिए सर, बताते हैं जाके, तो उनको क्या ना ही उतना भी मतलब पीड़ित व्यक्ति को भी आयोग द्वारा जो है सहायता होता उतना नहीं की जाती है, भले ही आर्थिक सहायता पैसा वैसा दे देगा, अब जाके मतलब कुछ मदद उदद कर सकते हैं इसका। जैसे मान लो कोई सिफारिश वाइस करता है ना, तो सरकार बाध्य कहीं नहीं है कि बात मान ले एकदम तुरंत कि बोल दिया भैया तो सही है, तो उसका जो लेकिन जो सिफारिश दिया रहता है ना, उसको 1 महीने के अंदर में उसके सूचना मतलब उसको वो करना होता है, जो कार्यवाही बता रहा हूँ इसने का। अब भूमिका वही मैं जो बता कि आयोग, अगर मान लो आयोग को मतलब कोई दे रहा सिफारिश है सलाहकारी के रूप में, तो ऐसा नहीं है कि भाई एकदम ही नकार देगी, नहीं है, मतलब विचार करेंगे उसके मामले में, संबंधित कार्य उसको देखा जाएगा, नकार नहीं सकती, इतना भी वो नहीं है, उसको आयोग बना है भाई, कोई वो आयोग बोल रहा है तो उसको कार्रवाई उनको की जाती है, विचार किया जाता है उस पर संबंधित में, समझ गए। अब इनका निष्पादन कार्य का निष्पादन देखते हैं, तो आयोग ने क्या किया, मानवाधिकार संबंधी अनेक विषय हाथ में लिए, इसको याद रखना, आयोग ने क्या किया, मानवाधिकार संबंधित भी अनेक विषय क्या किए इसने, लेना चालू किए, जब आगे फ्यूचर में गया ना तो अपने हाथ में लिए, जो इसको मैं बताते चलता हूँ, आप लोग सुनिए क्योंकि बहुत सारी चीज है। तो जैसे बंधुआ मजदूरी की समाप्ति करना है ना,
और जो अस्पतालों का भी संचालन करना, जो मानसिक अस्पताल है ग्वालियर में है, आगरा में है, रांची में है, जो मेंटल वाला कहाँ कहाँ बोला, आगरा में है, रांची में है और ग्वालियर में है, तो अस्पतालों का संचालन करना, ये सभी आते हैं। और जो आगरा स्थित जो भी सरकारी सुरक्षा गृह में है महिलाओं के लिए है, आगरा में स्थित है सुरक्षा गृह में, तो उनका संचालन भी इनके द्वारा किया जाता है। भोजन के अधिकार संबंधित भी मुद्दे इन लोग के द्वारा संपादित किए जाते हैं, उनका निपटारा किया जाता है, जैसे बाल विवाह रोक अधिनियम 1929 की, जो बाल विवाह होता है उसको भी रोका जाता है इनके द्वारा। सरकारी सेवकों द्वारा जो बच्चों को रोजगार में जाने से रोक देते हैं कई लोग, तो उससे मतलब उसको सुधार के लिए उसमें कदम उठाते हैं लोग। बाल श्रम की समाप्ति भी इन लोग करते हैं। और जो यौन हिंसा होता है महिलाओं का, उनमें भी इन लोग दिशा उसे जारी करते हैं। अब बच्चों का अवैध व्यापार, लैंगिक संवेदीकरण के लिए भी न्यायपालिका के लिए नियम भी बनाती है, पुस्तक पुस्तक जारी करती है, जैसे कि यौन पर्यटन अवैध व्यापार को रोकती है। अवैध व्यापार को जो आना, जो दुनिया भर का गलत काम करते हैं उन लोग को सबको रोकने का काम करती है। जो वृंदावन है महिलाओं को, जो पुनर्वास, जो परित्यक्त है, जो छोड़ी गई महिला होती है, उन महिलाओं का पुनर्वास किया जाता है। और जो मातृत्व रक्तल्पा रक्त, जो खून उनकी जरूरत होती है, तो उनका भी उनको प्रोवाइड, ये सब में लोगों को जिम्मेदारी होती है। जो मैला उला ढोने का काम करते हैं, जो हाथ, तो कई सारे जो देखे होंगे रेड़ी उड़ी पर लगाते हैं, जो रेलगाड़ी महिलाओं पर कुछ भी मतलब उल्टा सीधा हरकत होता है, तो सब में क्या इन लोग भागीदारी रहती है। जो दलितों से संबंधित मामले रहेंगे तो उनमें भी रहेंगे, समझ गए। स्वास्थ्य संबंधित मामले होंगे तो उसको भी देखते हैं। बहुत सारे बताऊंगा तो काफ़ी चीज़ें। जो जेल उल में जाओगे है ना, जेल उल में जाते तो क्या होते हैं, कोई बंदी उंदी रहता है व्यक्ति, तो उनको संरक्षण भी प्रदान करते हैं। वो देखता है ना कि खाना वाना उन लोगों को सब सुविधा देखे होगी, कई चेकिंग करने जाते हैं लोग, जो मानव अधिकार संरक्षण अधिकार, कि इनको सुविधा में रखे हैं कि नहीं, एकदम गए गुजरे थोड़ी कर दी। और कई बार पुलिस लोग गिरफ्तारी कर देते हैं तो अपने शक्ति का दुरुपयोग करना चालू कर देते हैं उन लोग, तो सब में भी उनका क्या है होता है, मतलब उनके द्वारा देखा जाता है कि कहीं लोग ज़्यादा अत्याचार थोड़ी कर रहे हैं एक लिमिटेशन में, ठीक है। अब आतंकवाद भी होता है, विद्रोह उद्रोह होता है, तब भी उसको देखते हैं, समझ गए। और जैसे मानो किसी व्यक्ति को साक्षरता से दूर रख रहे हैं, जागरूकता नहीं पहुंच रही है, तो जागरूकता वहां मतलब बढ़ा जाता है। अब ना इसका जो सदस्यों की जो संख्या थी, पांच थी, अब वो कब हो गया, तीन हो गया, पांच से तीन कर दिए। पांच से कितना कर दिया जी, तीन कर दिया, इसको याद रखना। पांच से पहुंच गया भैया, अभी तीन में पहुंच गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। जो अभी 2006 का जो मैं बताया था सुधार, उसमें सुधार हुआ, जो उसमें बोल रहा हूँ अधिनियम का 1993 एक्ट में इसमें सुधार हुआ, और जो सुधार 2006 में हुआ, और सदस्य संख्या पांच से अब तीन कर दी गई। अब इसमें अर्हता उर्ता में थोड़ा परिवर्तन भी किया है, क्योंकि अब इनमें कुछ वो चेंजेस हुए हैं ना, कोई कई सारे परिवर्तन भी हुए हैं, जो आयोग का जो है मजबूत बनाना, उनको अनुसंधान मशीनरी उसी सब में, जांच द्वारा, जैसे जांच कुछ होता है आयोग द्वारा, तो क्षतिपूर्ति के भी मतलब उनको सशक्त बनाना। अब क्षतिपूर्ति के हेतु भी उन लोग को पैसा वैसा दे सकते हैं लोग, कोई साक्ष्य उच्च नहीं है तो उसको अब लेके मतलब उनको प्रदान करना, उनको साक्ष्य मतलब मौजूद कराना, गवाहों को मतलब। और राज्य मानव अधिकार या दोनों मतलब केंद्र मानव, राष्ट्रीय मानव अधिकार, और दोनों सदस्यों की क्या भिन्न भिन्न मतलब थोड़ा रखते हैं अलग अलग, ताकि इन लोगों का थोड़ा अलग अलग क्षेत्र हो, प्रशासन चला सके। तो समझ गए, इतना काफी है। चलिए, जिनको जिनका एडमिशन लेना है ले सकते हैं, CGPSC की या फिर व्यापा उपा की, तो कम फीस में पढ़ाया जाएगा। ये देख लीजिए राष्ट्रीय मानव अधिकार। ये तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का क्या धन्यवाद।